पीपल, दिस इज मुस्कान एंड यू आर वॉचिंग स्माइल विद मुस्कान। तो अभी तो फिलहाल मैं हूँ एमिटी में और मैंने सोचा है आज क्यों ना मैं एच ब्लॉक का पूरा ब्लॉग शूट करूँ कि एच ब्लॉक में कौन कौन से कैंटीन हैं, मेस कैसा है। तो अभी तो मैं फिलहाल मेस जा रही हूँ, तो देखते हैं मेस कैसा है। और पूरे ब्लॉग में मुझे पता नहीं मैं बोल पाऊंगी या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के आई डोंट नो कि मैं कंफर्टेबल होंगी या नहीं बोलने में। अगर नहीं बोल पाई तो मैं वॉइस ओवर जरूर कर दूंगी। तो चलते हैं मेस में। तो अब हम आ चुके हैं एच ब्लॉक में। ये है एमिटी का फेमस एच ब्लॉक और ये सारी बिल्डिंग जो आप देख रहे हो ये सारे हॉस्टल्स हैं, गर्ल्स एंड बॉयज़ के अलग अलग हॉस्टल्स हैं। फिर अब आप जब यहाँ से लेफ्ट लोगे ना तो आपको दो एटीएम्स मिलेंगे, एक्सिस बैंक एंड पीएनबी के। तो ये काफ़ी अच्छी बात है हॉस्टल्स के लिए। फिर सामने हमारा आ जाता है मेस। तो चलो देखते हैं मेस में क्या क्या चीज़ें हैं और वहाँ का खाने का सिस्टम कैसा है। तो जैसा कि मैंने आप सबको पहले भी बताया था कि हॉस्टलर्स को भी यहाँ पे डेली बेसिस पे करके ही खाना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि हॉस्टल फ़ी के साथ खाने का भी पे कर दो। यहाँ पे डेली बेसिस पे आप जो खाते हो उसका पे करना पड़ता है। और हॉस्टलर्स के साथ साथ डे स्कॉलर्स भी खा सकते हैं यहाँ पे एनी टाइम। आप यहाँ पे बैठ के भी खा सकते हो या फिर आप पैक करके लेके जा भी सकते हो। और ये है यहाँ का ऑर्डरिंग काउंटर, जो कि यहाँ पे लंच या फिर डिनर या ब्रेकफास्ट के टाइम पे बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं और यहाँ से ही हम ऑर्डर करते हैं। अब हम अगर यहाँ के खाने की क्वालिटी और प्राइसिंग की बात करें तो खाने की क्वालिटी इज़ गुड, टेस्ट अच्छा होता है यहाँ का, हाइजीनिक भी होता है काफ़ी। और प्राइसिंग यहाँ पे इन कंपैरिजन टू कैंटीन्स बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपको 35-40 तक में पूरा मील मिल जाएगा। दोपहर का लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट आप यहाँ से आके कर सकते हो अफोर्डेबली, क्योंकि कैंटीन्स में रेट बहुत ज़्यादा हाई है। और अगर आपको यहाँ पे केक्स एंड ऑल पेटीज़ ये सब भी आपको मिल जाएंगी चीज़ें, साथ साथ में आपको फ्रेश फ्रूट जूस भी मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे आके खा सकते हो अगर आप ज़्यादा पैसे रोज़ रोज़ नहीं खर्च कर सकते हो कैंटीन में। और फिर आप जब मेस से निकलोगे तो सामने ही आपको डोसा प्लाज़ा मिलेगा और डोसा प्लाज़ा इज़ दी बेस्ट। यहाँ का टेस्ट काफ़ी अच्छा है बट अगैन अफोर्डेबल नहीं है। मेस सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल है बट आप कभी कभार हफ्ते में एक दो बार तो आके खा ही सकते हो डोसा प्लाज़ा में। और ये है यहाँ का ऑफिशियल हॉस्टल ऑफिस। अगर कोई भी इंक्वायरी हो हॉस्टल के बारे में तो आप यहाँ से आके पता कर सकते हो। फिर अब हम आ जाते हैं यहाँ के कैंटीन्स में। यहाँ पे मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया कि बहुत सारे कैंटीन्स हैं, लाइक सर्वे, डोमिनोज़, बिकानो, अमूल, बेजल्स, मम्मा मियाँ, पिटापिट। लिटरली हम तो यहाँ का खाना खा खा के ऐसा बोर हुए हैं ना 3 साल कि अब ऐसा लगता है बस हाँ यहाँ से जाना है। क्योंकि यार एक ही सेम चीज़ खाओ 3-4 साल तक तो ऑब्वियसली बात है बोर हो जाओगे, पर आप स्टार्टिंग में खा सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिर अब आप कैंटीन से जब निकलोगे तो आपको लेफ़्ट साइड में टैक्सीज का बुक शॉप मिलेगा। यहाँ पे आपको बुक्स मिलती हैं, स्टेशनरी मिल जाएंगी, बट यहाँ का रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है। इससे बढ़िया आप बाहर किसी बुक शॉप से ले लो, यहाँ से परचेज़ मत करना। हॉस्टलर्स की मजबूरी होती है स्टार्टिंग में परचेज़ करना, मैंने भी किया था और मैं पागल बनी थी ख़रीद के महंगे सामान डबल रेट में। बट स्टार्टिंग में आप ख़रीद सकते हो, लेकिन मैं आपको ये चीज़ बता दे रही हूँ ताकि आप पागल ना बनो, आप बाहर से ही प्रेफर करना स्टेशनरी एंड ऑल ख़रीदने के लिए। स्टेशनरी के साथ साथ आपको यहाँ पे और भी कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे गिफ्टिंग के लिए, बर्थडेज़ के लिए, लाइक फ्रेम्स, टॉयज़ और बर्थडे कार्ड, एनिवर्सरी कार्ड्स, बर्थडे कप्स। और यहाँ पे अगर आपको नॉवेल्स पढ़ने का शौक़ है तो आपको यहाँ पे नॉवेल्स भी मिल जाएंगी। और बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बुक्स भी हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन उससे पहले लाइब्रेरी में एक बार चेक कर लेना, आपको फ्री की लाइब्रेरी जब मिल रही है तो आप यहाँ पर ख़रीदना मत आके, आप लाइब्रेरी में इशू करा सकते हो।
है स्मिथ स्टोर, बेसिकली ये कन्वीनियंस स्टोर है, आपकी सारी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे। और इसके बगल में चाय गरम है, ये भी एक कैंटीन है और यहाँ पर चाय इज़ फेमस। और ये लॉरियल का छोटा सा सलॉ भी है और यहाँ पे फ्रूट शॉप भी है। फिर यहाँ पे हम आते हैं स्मिथ स्टोर में, आपको पहले अपना बैग सबमिट करना होता है और यहाँ पे बेसिकली सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। मोस्टली हॉस्टलर्स के लिए बहुत अच्छी चीज़ है ये, आपको एनी टाइम कुछ भी ज़रूरत हो विद इन कैंपस आपको चीज़ें मिल जाएंगी। आपको अपनी मेडिकल चीज़ों से लेकर के डेली यूज़ की चीज़ें और अपनी फूड आइटम्स और भी बहुत सारी चीज़ें, ड्रिंक्स एंड ऑल, सब कुछ मिल जाएगा आपको यहाँ पे, विच इज़ अ बेस्ट थिंग। गाइज दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, और आगे और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली हैं, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। टिल देन बाय।